लोग स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग, हमारा बेटा है, मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए गए। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता या ढाई है, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद CDO आया, फोर्स आया था, यहाँ CEO भी थे हम बांगर में और दौड़ा रहे थे, तो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे, मुझे गाली दे रहे हो, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मेरा बेटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए। प्लस CDO का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया। बस CDO लगातार मीटिंग में आते हैं, पहचानते, उसके बाद हमको जबस्ती मार रहे CDO से। तो आपको किसने मारा पीटा? कुछ BJP के कुछ कार्यकर्ता और भी थे जो गले में रुपट्टा कुछ अंगोछा डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। BJP के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उनको हाथ पकड़ पकड़ के किनारे पर प्यार किनारे कर रही है, ले जाए जाके, और उल्टा गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है केवल। भी है सर, तो अभी आपको एप्लीकेशन दी गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज मियाँगंज में हमारे पत्रकार साथी श्री कृष्णा तिवारी जी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ है, उनका सरकारी हमें उन्हें धक्का दिया मार्केट की। अभी हमारी सभी पत्रकार साथियों से वार्ता हुई है और विकास अधिकारी ने इसमें लेकिन कृष्णा तिवारी जी ने एक प्रार्थना पत्र दिया है और बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इस प्रार्थना पत्र हम जांच करवाएंगे और जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसमें जरूर होगी। और मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध करता हूँ कि इसमें पूर्ववत जैसे अभी तक आपने हमारा सहयोग किया है, कृपया सहयोग करें और विश्वास रखें कि इसमें जो बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई के साथ एक भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ मारपीट में शामिल था, साफ तौर पे उस वीडियो में दिख रहा है, तो क्या उसको चिन्हित किया गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है? जी, जैसा मुझे बताया गया है कि वो